नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर मित्र में। और हम हैं मोहित कश्यप सर मित्र टीम गोरखपुर। आज का एक बहुत ही दर्द भरा रेस्क्यू देखने को हमें मिला हुआ है। एक्चुअली हम लोग एक लोकेशन पर रेस्क्यू कर रहे थे, सांप का रेस्क्यू कर रहे थे, तब तक एक भाई ने हमें फोन किया है। उन्होंने फोन करके हमें बताया है कि इनके गाँव में खेत में कोई बहुत बड़ा सा एक पक्षी जो है कट के गिर चुका है, जिसको हंस ये लोग बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में वो एक सारस पक्षी है, जिसकी मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट वाली तार होती है ना खेतों में चलती है, वो तार से उड़ते समय उसके पंख में लग गया है, जिसके करके उसका पंख टूट गया है, कट गया है, और वो पक्षी नीचे गिर गया है। जैसे मौके पे लोग की नजर पड़ी तो वो लोग उस सारस को उठा करके कहीं पे ला के रखे हुए हैं। बता रहे हैं गाँव के लोग कि कहीं कुत्ते वगैरह अगर उसको देख लेते तो उसको नोच के खा भी लिए होते। तो बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया कि उस पक्षी को उठा करके किसी क्लीन स्थान पे रखे हुए हैं। तो उसी पक्षी का रेस्क्यू के लिए, उसी पक्षी का ट्रीटमेंट के लिए, उसको बचाव के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचा है। और ये जो रेस्क्यू देखने को मिला है ये गोरखपुर जिला के अंतर्गत खजनी क्षेत्र के अंतर्गत और आई डीहा गाँव है ये, जहाँ पे ये घटना हुई है। तो चलिए मौके पर हमारी टीम यहाँ पे पहुंच आई है। चलिए चल के देखते हैं कि वो बेजुबान पक्षी कहाँ पे है, किस हालत में है और कितना उसको चोट लगा है, हमसे क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम वन विभाग के जो महोदय जी लोग हैं उनको भी फोन करके सूचना देंगे, उनको बुलाएंगे और फिर उनसे जायजा लेने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद वन विभाग में या फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। हालांकि इसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिकवरी होने में समय लगेगा। फिलहाल चलते हैं उस लोकेशन पे, वो पक्षी जहाँ पे है वहाँ पे देखते हैं कि उसको कितना चोट लगा है, उसको क्या हुआ है। तो चलिए दोस्तों उनसे आपको मिलवाते हैं जिन्होंने फोन करके सूचना देकर के यहाँ पे बुलाया हुआ है। ये भैया है जिन्होंने फोन करके यहाँ पे बुलाया हुआ है। सबसे पहले तो आपका नाम हम जानना चाहेंगे। हरेंद्र निषाद। अच्छा हरेंद्र जी, कब की घटना है ये, कब सारस आपके वहाँ ऐसा? सुबह 7 बजे गिरा हुआ था खेत में। अच्छा, और वो कैसे गिर गया, क्या घटना हुई? तार में जुड़ा कर गिर गया है, उसके बाद उड़ रहा था तार में लग गया, उसके बाद देखे हम लोग दौड़ा तक पकड़े। अच्छा, फिर आपके पास फोन किए। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से उसकी क्या कंडीशन लगती है, वो बच जाएगा कि ज्यादा चोट लगा, क्या है उसका? चोट तो लगा, मान लीजिए आप लोग आ रहे हैं तो इलाज करिए, बच जाए, भगवान से दुआ करूँ। चलिए दिखाइए कहाँ पे वो पक्षी आपने रखा हुआ पकड़ करके। आइए दोस्तों चलते हैं लेकर के आपको। दोस्तों यही वो पक्षी है जिसको देख सकते हैं गांव के लोगों ने, जब ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक तार से कट के गिर गया था तो गांव के लोगों ने इसको उठा करके वहां से, कहां पे गिरा था भैया ये, किधर? ये बड़ा वाला तार जरा उसमें क्या यार, काफी बड़ा। दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा, फुल हाई वोल्टेज जो तार जाती है ना, ये बड़ी वाली, बड़ा वाला दिख रहा है क्या भैया? वही, अरे बाप रे, ये जो बड़ी हाई वोल्टेज करंट वायर जा रही है, ये बड़ा सा खम्बा दिख रहा है ना, इसमें काफी मोटी मोटी तारें होती हैं जो गई हुई हैं, इसी वायर में ये टकरा गया। तार में टकराने की वजह से इस सारस का पंख जो है कट जाता है, वो नीचे गिर जाता है उतने हाइट से, फिर गांव के लोगों की नजर पड़ती है तो उसको उठा करके वहां से लेके आते हैं। चलिए इसको देखते हैं चोट कहाँ पे लगा है, देख सकते हैं ये डरा हुआ है। हाँ हाँ, आप लोग हल्ला ना करी, नहीं मारी वो, जिसको लग रहा है कि हम लोग इसको मारने आए हैं, लेकिन हाँ लेकिन ये अपने बचाव के लिए बार बार काटने की भी कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा पक्षी है, इसके बहुत बड़े बड़े नुकीले नुकीले देख सकते हैं चोंच होते हैं, अगर ये हमला करे तो किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर चोट भी लग सकती है, क्योंकि बहुत बड़े इसके चोंच हैं, नुकीले भी हैं, काफी नुकीले। तो बिल्कुल बचा करके हमें इसको देखना है। पहले तो हम चाहेंगे आप इसको दिखाइए एक बार, इसको चोट कितना लगा है भैया? इसका आप लोग बता रहे पंख कैसा है, कट गया है? बिल्कुल कट गया है, हड्डी वगैरह थोड़ा सा चोट लगा, थोड़ा सा अटैच है। ओहो, इसी पंख में है माय गॉड। अरे यार टोटल फट गया दोस्तों, मैं इसको ब्लर करके दिखा रहा हूँ, हालांकि अरे बाप रे बाप, देखने लायक नहीं है, काफी ज्यादा फट चुका है, बहुत ज्यादा। लीजिए कि बैठा दीजिए, बैठा दीजिए, शांत हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ठीक, इस हादसे के बाद ये पक्षी एक ही पंख पे अब अपना जीवन यापन कर पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से चोट लगा हुआ है। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या है ना, ये पंख जो पक्षी का पंख होता है, दो पंख होते हैं, तो इधर लेफ्ट वाला जो इसका पंख है दोस्तों, ये पूरे तरीके से कट चुका है, जिसके करके ये अभी उड़ भी नहीं पाएगा इस वाले पंख से। इसका सलूशन एक ही है कि अभी वो वन विभाग के कुछ टीमों को हम लोग बुलाते हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट करने लायक ट्रीटमेंट होगा, अगर वो जुटने लायक होगा, अगर उसकी हड्डियाँ उसकी पंख जुट जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुटेंगी तो उसको काट के निकालना पड़ेगा और फिर इसको रिकवरी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हालांकि जिंदा तो रहेगा, लेकिन ये एक ही पंख से शायद जीवित रह पाए, बाकी देखा जाएगा, अभी वन विभाग की टीम आ रही है, उनसे ही बात किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे वन विभाग की टीम को पहले फोन करके बुलाते हैं। किस जगह पर हैं सर आप?
अच्छा, जैसे जानते हैं आप ही के क्षेत्र का औराई डिहुलवा गांव है, उस गांव में एक सारस पक्षी है जो ये बड़ा वाला तार जो जाता है लाइन पे टकरा के उसकी पूरी एक पंख डैमेज हो गई है और वो ना उड़ पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है और नहीं बहुत ज्यादा ब्लड हुआ है। उसी के लिए रेस्क्यू के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप लोग लाइन अप करिए, गाइड करिए कि हम लोग इसके लिए करें तो क्या करें इसको। अच्छा, आप आ रहे हैं, चलिए आइए आइए। तो दोस्तों, हमने अभी जो सिकरीगंज क्षेत्र के अंतर्गत में वन विभाग की टीम है, अभी वो लोग आ रहे हैं, सिकरीगंज पहुंचे हैं। अभी उन लोग को आने में अप्रोक्सीमेटली अभी आधा घंटा लग जाएगा। आते हैं तो फिर आप लोगों से मिलवाते हैं। यही सर हैं? हेलो सर, कैसे हैं सर? चलिए, स्वागत है आपका। जैसे हम लोग को सूचना दिए, हम लोग तो मौके पर आ गए, इधर ही रेस्क्यू कर रहे थे, तो फिर अभी लोग आपको सूचना दे दिए, हम ठीक है आपका इंतजार कर लेते हैं, आप भी आ जाएंगे तो कुछ सजेशन देंगे। नहीं, जैसे ही लोग बोले ना तो हम क्या रुक लेते हैं, तो हम लोग भी रेंजर साहब को फ़ोन करने ही वाले थे कि सर मान लीजिए ये राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अभी क्या करना है, इसका वो जो पंख है ना एक पूरा निकल गया है, तो एक बार आप ना हो तो सलाह ले लीजिए, फिर जैसा सेशन करिए उसका, मतलब जुड़ने पर जुड़ेगा नहीं। नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। हाँ, ये सब पंछी जब जुड़ जाते हैं तो बचते हैं, एकमात्र पक्षी ऐसे हैं सब जो दोनों साथ ही रहते हैं, और एक बिछड़ जाता है दूसरे का रोता है, वो भी खाना पीना नहीं खाता है, ऐसा एक प्रवृत्ति है। तो अभी इसका क्या सलूशन किया जाएगा? हाँ, पूछ लीजिए। इलाज तो सब करना जरूरी है। बिल्कुल, बेसिक ट्रीटमेंट कर देते हैं, अगर बचने लगेगा तो बचेगा, हमारा जो राइट ऑफ ड्यूटी है वो कर देते हैं सर। हाँ सर, हम मौके पर यहाँ हैं जहाँ ये संस्था, तो ये जो पंख है ये जो है फट चुका है और ब्लडिंग भी आ रहा है, तो यहाँ मीडिया वाले भी हैं, ये बाबू जो ये सर पकड़ते हैं, हम लोग बुलाते हैं इनको, ये भी आए हुए हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे हैं कि भैया यदि आप लोगों का इजाज़त हो तो हम यहाँ ले जाकर के इसका जो है देख रेख कर सकते हैं। जी, आप ही से लाना पड़ेगा? चलो ठीक। अच्छा ठीक, तो इसको जो है हम इनको साथ में करा रहे हैं। बात करा दीजिए, एक बार ना ठीक है। एक मिनट सर, बात कर लीजिए, बाबू हैं। हेलो, जय हिंद सर। ठीक है, एक्चुअली अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, हुआ क्या, एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वायर जाती है ना, इलेक्ट्रिक वायर, उसी में उड़ के जा रहा था, तो एक वो जो तार निकली है उसी तार से इसका पंख पूरे अच्छे तरीके से कट गया है, हड्डी वगैरह सारा निकल गया है। अभी सीन ऐसा हुआ है कि उसका मतलब एक पंख निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं जुटा है, और ये एक पंख पे ही शायद उड़ पाए, रह पाए, यही इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। बाकी फ़िलहाल में अभी हम यही कहेंगे, एक सर्प मित्र भी यहाँ पे है, मोहित कश्यप सर्प मित्र टीम, तो इसका इलाज करा करके अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो ये अपने घर पे ले आ करके इसको देख रेख करेंगे, रिकवरी होने के बाद फिर आपको सौंप दिया जाएगा, या आप लोग कर। हाँ ठीक है, हम लोग लेके आ रहे हैं ना। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, हम लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ पे रेंजर साहब से बात हुई है, तो उन्होंने यही बोला है कि आप ऑफिस पे लेके आ जाइए, तो चलिए इस सारस को लेकर के सीधे रेंजर साहब के ऑफिस पे चलते हैं, और वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर इसको उनके हवाले सौंप दिया जाएगा। देरी ना करते हुए फटाफट लेके चलते हैं सीधे ऑफिस। अभी हम लोग बहुत दूर चल करके आ चुके हैं एक सरकारी हॉस्पिटल पे, जहाँ पे बेजुबानों को, पशुओं को दवाई की जाती है, तो इस पक्षी को भी हम लोग लेके आए हुए हैं। ये उस दौरान दौड़ उड़ रहा था और शायद उसी में जाकर टकरा गया, अब टकराने के वजह से इसका पूरा एक जो पंख है पूरी तरीके से फट गया है, बोन्स तक बाहर आ गया, एक पंख उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद जो बेसिक ट्रीटमेंट है मलहम पट्टी करना पड़ेगा। बस, वेरी गुड। ये वाला सर? हाँ, अब आप पकड़ लिए पंख पे। वही हड्डी लास्ट है। बस,
बस महाराज दो मिनट तक चाहिए आपको, बस नहीं आ रहा होगा। देख सकते हैं ये पंख जो है बिल्कुल कट गया था, लाइट से टूट गया था, अलग हो गया था। अभी यहाँ पे कटिंग करके निकाल दिया गया और अभी स्टिचिंग कर दिया जाएगा उसके अंदर क्लीन करने के बाद, ताकि ये बेजुबान जो है अपने अनुकूलित वातावरण में रह करके 10-15 दिन में रिकवर हो जाए। बाकी यहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई वगैरह भी देंगे। और कोई पेस्ट वेस्ट लगाएंगे, इतना ही हो जाएगा। बेटाडीन लगा है वो, उसके ऊपर मरहम लगा है। हाँ, उसको पूरा टाइटली पैक करके उसको करना पड़ेगा। हाँ, उसको लपेट के फिर उस पर बेटाडीन लगाएंगे, हल्का सा वहीं बांध दिया ताकि निकले ना। अभी इसका ट्रीटमेंट हो गया ना? हाँ। तो दोस्तों फाइनली इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, देख सकते हैं जैसा कि आप, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। थोड़ा अभी इधर डॉक्टर साहब तीनों लोग। तो दोस्तों इस जीव को बचाने में जितना सहयोग हम लोग का है, जितना सहयोग वहाँ की जनता की है, उतना ही सहयोग ये हमारे जो पूजनीय बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, इस बेजुबान के पंख को काट करके बेसिक ट्रीटमेंट किए हैं। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही आप वन्य जीव को या जीवों को बचाते रहिए। अब इसको लेके चलेंगे हम लोग रेंजर साहब के पास, उनसे जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको लेके चलिए वापस वहाँ। तो अभी हम लोग इस पक्षी का ट्रीटमेंट करके लेके आ चुके हैं कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी खजनी रेंज के अंतर्गत में, जो हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं उनके आवास पे। तो दोस्तों अभी हम लोग इस जो जीव है, सारस है, इस जीव को हम लोग रेस्क्यू किए। रेस्क्यू करने के तत्पश्चात इसको अस्पताल ले गए, और जो भी शुरू से लेकर अंत तक हम लोग काम किए हैं वो पूरा क्रेडिट ये सर को जाता है, जो कि ये वन्य अधिकारी हैं, सारी टीम है इनकी। तो जैसे जैसे इन्होंने गाइड किया वैसे वैसे हम लोगों ने काम किया, और फाइनली अभी आप देख सकते हैं आप नज़रों के सामने ये सारस को हम लोग ट्रीटमेंट करा करके, इसको मलहम पट्टी करा करके ला के यहाँ पर रख दिया है सर के बदौलत। सर आप इसके बाद आप क्या इसका स्टेप करने वाले हैं, क्या एक्शन है? देखभाल करेगा। अच्छा जी, प्रयास यही रहेगा, हम डॉक्टर बुला करके ही इलाज कराया जाए, ट्रीटमेंट कराते रहें डेली डेली, मतलब अथक प्रयास करेंगे ये सर, ताकि ये जो है जल्दी से जल्दी बच जाए और रिकवर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों का बहुत अच्छा काम है दोस्तों। 24 घंटा ये लोग लगे रहते हैं वन्य जीव को बचाने में तथा वन्य संरक्षण को संरक्षित करने में। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। आप का पोस्ट मैं जानना चाहूँगा? क्षेत्रीय वन अधिकारी। आप सर? अच्छा, आप? उप क्षेत्रीय अधिकारी। और ये सर? अच्छा अच्छा, तो ये सारे टीम हमारी है, सभी लोग मिलके काम किए हैं, और आज इस जीव को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया, और ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सर जब ये आप 2-4 दिन 10 दिन के बाद जब रिकवर हो जाएगा, इसको आप जंगल में रिलीज करिएगा, तो एक क्लिप हमें बना दीजिए ताकि हम दर्शकों को भी दिखा सकें। ठीक है, थैंक यू। मोहित सर इस सारस को पानी पिलाए, तब तक मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी अगर जो होता है वो सारस ही होता है, और ये एक राजकीय राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश में इन सारस की जो आबादी है वो 13,000 की आबादी है, और ये कभी भी आपको दिखेंगे तो जोड़े में ही दिखते हैं सब, दो मेल फीमेल। और ये जब प्रजनन करते हैं तो प्रजनन के बाद ये 2-3 अंडे अक्सर देते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के अंडे देते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये दोनों है, शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों मतलब भोजन को करते हैं, छोटे मोटे कीट मकोड़ों को खाते हैं, साथ साथ जो जैसे पौधों को खाते हैं जिनके तना बिल्कुल नाजुक से होते हैं, और अक्सर करके ये जलवायु क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। और ये हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे पर्यावरण की खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, और कभी भी ऐसा जीव दिखता है तो आप इसको मारने का प्रयास बिल्कुल ना करें। और इस पक्षी को इंग्लिश में सारस क्रेन भी बोलते हैं, और इसकी 7-8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बाकी हम यही निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप लोग ऐसे जीवों को बचाने में मदद करें, डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करें, और कभी भी ऐसे जीवों को बिल्कुल ना मारें। तो कैसा लगा आपको हमारा काम, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम आपको अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे जब ये जंगल में रिलीज होएगा तब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।